बस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है फूड वोकैबुलरी इट मींस खाने वाली चीज़ों की इंग्लिश आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में हंड्रेड से ज्यादा वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश बताई गई है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों अपने कज़न्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं फूड विकैबलरी फूड कहते हैं खाने को विकैबलरी कहते हैं जख़ीरा है अल्फाज को ठीक है फूड विकैबलरी सबसे पहला आ जाता है नाश्ता या सुबह का खाना इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट नेक्स्ट है दोपहर का खाना इसे इंग्लिश में कहा जाता है लंच लंच नेक्स्ट है लंच बॉक्स जो हम बच्चों को स्कूल्स के लिए या हस्बैंड भाई फादर इनको ऑफिस के लिए या कंपनीज के लिए जहाँ वो काम करते हैं तो उनको खाना के लिए बॉक्स देते हैं उसे कहा जाता है इंग्लिश में लंच बॉक्स लंच बॉक्स रात के खाने को इंग्लिश में कहा जाता है डिनर डिनर बाजारी खुराकें या बाजारी खाने इनको इंग्लिश में कहा जाता है जंक फूड्स जंक फूड्स में आ जाते हैं चिप्स बर्गर पिज्जा पैक्ड स्नैक्स ठीक है इनको कहा जाता है जंक फूड्स नेक्स्ट है दूध से बनने वाली गजाएं या दूध से बनने वाली खुराकें इनको कहा जाता है डेयरी फूड्स डेयरी फूड्स जैसे मक्खन पनीर दही इनको कहा जाता है डेरी फूड्स ठीक है नेक्स्ट है अंडा इसको इंग्लिश में कहा जाता है एग एग अगर तला हुआ अंडा है तो उसको कहा जाता है फ्राइड एग फ्राइड एग उबला हुआ अंडा है तो उसको कहा जाता है बॉइल्ड एग बॉइल्ड एग अंडे का भरता स्क्रैम्बल्ड एग स्क्रैम्बल्ड एग अंडे का भरता अंडे की सफेदी को कहा जाता है अल्ब्यूमन। अल्ब्यूमन। ये जो वाइट वाइट सी है ना इसको कहा जाता है अल्ब्यूमैन अंडे की जर्दी को इंग्लिश में कहा जाता है योक योक यहां पे एल जो है ये साइलेंट होगा एल को नहीं पढ़ा जाएगा योक ये जो येलो पार्ट है ना ये जर्दी अंडे की इसको कहा जाता है योक और जो व्हाइट पार्ट है इसको कहा जाता है अल्ब्यूमन नेक्स्ट है घी घी को इंग्लिश में घी ही कहा जाता है घी नेक्स्ट है तेल तेल को इंग्लिश में कहा जाता है ऑयल ऑयल नेक्स्ट है जैतून का तेल ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल ओलिव ऑयल नेक्स्ट है सूरजमुखी का तेल इसको इंग्लिश में कहा जाता है सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर कहा जाता है सूरजमुखी को ऑयल तेल सनफ्लावर ऑयल पनीर पनीर को इंग्लिश में कहा जाता है चीज़ चीज़ नेक्स्ट है मक्खन मक्खन की इंग्लिश है बटर बटर नेक्स्ट है गंदुम गंदुम को इंग्लिश में कहा जाता है वीट वीट गंदुम का आटा वीट फ्लावर वीट फ्लावर इसको आपने फ्लोर नहीं पढ़ना ठीक है आटे को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर जैसे फूल की आवाज निकलती है ना फ्लावर ऐसे आटे की आवाज भी होगी फ्लावर ठीक है आटे और फूल की आवाज एक जैसी है इनको कहा जाता है होमोफोन्स यानी ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज दें होमोफोन्स ठीक है तो यह है व्हीट फ्लावर गूंदा हुआ आटा हो तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डो डो आटे को छानने को इंग्लिश में कहा जाता है सिफ्ट सिफ्ट गने को कहा जाता है नीड नीड यहां पे के जो है ये साइलेंट होगा ठीक है नीड मकई को इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्न या मेज कॉर्न या मेज मकई का आटा कॉर्न फ्लावर कॉर्न फ्लावर मैदे को इंग्लिश में कहा जाता है फाइन फ्लावर फाइन फ्लावर बेसन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम फ्लावर ग्रैम फ्लावर सूजी को इंग्लिश में कहा जाता है सेमोलीना सेमोलीना चावल को इंग्लिश में कहा जाता है राइस राइस उबले हुए चावल तो उनको कहा जाता है बॉइल्ड राइस बॉइल्ड राइस बॉइल्ड राइस और प्लाओ या नमकीन चावल तो उनको कहा जाता है प्लाव प्लाओ नेक्स्ट है कबाब कबाब को इंग्लिश में कहा जाता है केबाब केबाब सलाद को इंग्लिश में कहा जाता है सैलिड सैलिड सब्जियों को इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स इसको वेजी नहीं बोलेंगे इसको कहेंगे वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स फलों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रूट्स फ्रूट्स मसाले स्पाइसेस स्पाइसेस नेक्स्ट है चीनी चीनी को इंग्लिश में कहा जाता है शुगर शुगर ब्राउन चीनी ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर गुड़ को इंग्लिश में कहा जाता है जैगरी जैगरी नमक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्ट सॉल्ट इसको साल्ट नहीं पढ़ना, ठीक है इसको ओ आवाज देनी है सॉल्ट सॉल्ट दालों को इंग्लिश में कहा जाता है लेंटिल्स या पल्सिस लेंटिल्स या पल्सिस सफेद चने इनको इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम या चिकपीस ग्राम या चिकपीस काले चनों को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक ग्राम ब्लैक ग्राम भुने हुए चने हों तो उनको कहा जाता है रोस्टेड ग्राम रोस्टेड ग्राम पानी को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर वाटर दूध को इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क मिल्क शराब को इंग्लिश में कहा जाता है वाइन वाइन सिरके को इंग्लिश में कहा जाता है विनीगर विनीगर इसको वाइनगर नहीं कहना ठीक है इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी विनीगर शरबत को इंग्लिश में कहा जाता है सिरप, सिरप। दही को इंग्लिश में कहा जाता है योगर्ट या कर्ड योगर्ट या कर्ड लस्सी को इंग्लिश में कहा जाता है वे वे बलाई या मलाई ठीक है इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रीम क्रीम खीर को इंग्लिश में कहा जाता है पॉरिज पॉरिज जैसे वो दना नीर ने अपनी वीडियो में पार्टी को फौरी बोला फौरी तो आपने ऐसे खीर को कहना है फॉरिज फॉरिज यहां पे डी जो है ये साइलेंट होगा फौरिज दलिए को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोल, ग्रोल। कस्टर्ड को इंग्लिश में कस्टर्ड ही बोला जाता है ठीक है ये डिफरेंट फ्लेवर्स में होते हैं वनीला कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ठीक है आगे उन फ्लेवर्स के नाम बोले जाते हैं तो कस्टर्ड को कस्टर्ड ही कहा जाता है फलूदा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लामरे फ्लाम शेरिनी को इंग्लिश में कहा जाता है डेजर्ट डेजर्ट मिठाई को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट्स स्वीट्स जलेबी को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट प्रैटसेल्स या आप इसको जलेबी ही कह सकते हो स्वीट प्रैटसेल्स या जलेबी प्रैट जल्स स्वीट प्रैटसेल्स सवैयों को इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिचैली वर्मिचैली इसको सैली नहीं है आपने कहना यहां पे ये आवाज़ देकर चैली व ठीक है सवैया गोश्त को इंग्लिश में कहा जाता है मीट मीट बड़ा गोश्त गाय का गोश्त हो तो उसको कहा जाता है बीफ बीफ छोटा गोश्त यानी बकरे का गोश्त इसको इंग्लिश में कहा जाता है मटन मटन मुर्गी का गोश्त तो इसको कहा जाता है चिकन मीट चिकन मीट मुर की निसफ टांग यानी आधी टांग और उसे रोस्ट किया हो तला हो तो उसको कहा जाता है ड्रम स्टिक्स ड्रम स्टिक्स कीमा कीमे को इंग्लिश में कहा जाता है मिन्स मीट, मिन्स मीट, मिन्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ठीक है या किसी ब्लेड वाली मशीन से गुजारना किसी चीज को ठीक है वो होता है मिन्स तो यहां पे जब गोश्त को हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस में करते हैं या मशीन में से गुजारते हैं तो हम तो कहेंगे कीमा ठीक है तो मींस मीट मींस मीट कोफ्ते को इंग्लिश में कहा जाता है मीट बॉल्स मीट बॉल्स मीट यानी गोश्त बॉल्स गेंद गोश्त के गेंद ठीक है कोफ्ते मीट बॉल्स गाय की पुष्ट का गोश्त इसको कहते हैं सिलॉइन, यहां पे आर जो है ये साइलेंट होगा सिलॉइन पट्टे का गोश्त इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिलेट फिलेट यखनी यखनी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉक स्टॉक शोरबा शोरबे को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रॉथ या ग्रेवी ब्रॉथ या ग्रेवी सालन सालन को इंग्लिश में कहा जाता है curry, करी करी बिस्किट बिस्किट को इंग्लिश में कहा जाता है बिस्किट बिस्किट इसको बिस्कुट नहीं क्या नाम ने ठीक है बिस्कुट नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है बिस्किट बिस्किट नेक्स्ट है मुरब्बा मुरब्बा को इंग्लिश में कहा जाता है जैम जैम नेक्स्ट है डबल रोटी डबल रोटी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेड ब्रेड नेक्स्ट है रस रस इनको इंग्लिश में कहा जाता है रस्क रस्क नेक्स्ट है रोटी रोटी को इंग्लिश में कहा जाता है चपाती या फ्लैट ब्रेड चपाती या फ्लैट ब्रेड नेक्स्ट है फुल्का फुल्के को इंग्लिश में कहा जाता है मफिन मफिन नेक्स्ट है पापड़ ठीक है पापड़ को इंग्लिश में कहा जाता है वेफर वेफर नेक्स्ट है बन बन को बन ही बोला जाता है नेक्स्ट है कीमे वाला बर्गर इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैमबर्गर हैमबर्गर डोनट को डोनट ही बोला जाता है डोनट नेक्स्ट है केक केक को केक ही कहा जाता है केक नेक्स्ट है पेस्ट्री पेस्ट्री को पेस्ट्री ही बोला जाता है पेस्ट्री नेक्स्ट है पकोड़े पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रीटर्स कहा जाता है फ्रीटर्स फ्रीटर्स नेक्स्ट है समोसे समोसे को इंग्लिश में पैटी कहा जाता है पैटी नेक्स्ट है मिर्च वाली चटनी इसको इंग्लिश में कहा जाता है चिली सॉस सॉस कहते हैं चटनी को ठीक है तो मिर्चों वाली चटनी चिली सॉस पुदीने की चटनी इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिंट सॉस मिंट कहते हैं पुदीने को तो मिंट सॉस मिंट सॉस टमाटर वाली चटनी या कैचअप ठीक है इसको कैचअप ही बोला जाता है कैचअप अचार अचार को इंग्लिश में कहा जाता है पिकल पिकल नेक्स्ट है तलने वाले पापड़ इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्नैक्स स्नैक्स नेक्स्ट है कॉफी कॉफी को इंग्लिश में कॉफी ही बोला जाता है कॉफी नेक्स्ट है चाय चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं टी नेक्स्ट है सबज चाय इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन टी ग्रीन टी नेक्स्ट है शहद शहद को इंग्लिश में हनी कहा जाता है हनी नेक्स्ट है गन्ना गन्ने को इंग्लिश में शुगर केन कहा जाता है शुगर केन शुगर केन नेक्स्ट है गंडेरी गंडेरी को इंग्लिश में कहा जाता है शुगर केन पीस शुगर केन पीस गन्ने का टुकड़ा है ना ये तो इसको कहा जाएगा शुगर केन गन्ना पीस टुकड़ा ठीक है शुगर केन पीस नेक्स्ट है रो या गन्ने का जूस इसको इंग्लिश में कहा जाता है शुगर केन जूस शुगर केन जूस नेक्स्ट है शीरा या रॉब इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिलासिस मिलास मिलासिस नेक्स्ट है बर्फ बर्फ को इंग्लिश में कहा जाता है आइस आइस नेक्स्ट है आइसक्रीम आइसक्रीम को आइसक्रीम ही बोला जाता है आइसक्रीम। नेक्स्ट है पान पान को इंग्लिश में कहते हैं बिटल बिटल अगर पान का पत्ता है तो उसे कहेंगे बिटल लीफ बिटल लीफ नेक्स्ट है छालिया या स्पारी। ठीक है जो पान के अंदर हम डालते हैं उसको बोला जाता है बीटल नट बीटल नट ठीक है उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह समझ आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आज के लिए इतना ही काफ़ी है अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़